हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सरजी में। जी गाइस, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आपसे आज अभी क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही। यहां पे आप देख पा रहे होंगे सीधे सीधे गृह मंत्रालय का क्या वक्तव्य आया, हरी झंडी किस बात को लेकर दी। तो सारी बातें हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सीधे सीधे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6/7/23 का जैसा कि लेटेस्ट अपडेट आप है तो आपको मैं अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ पे आप सीधे देख पा रहे होंगे लॉकडाउन के दौरान परीक्षा लेने की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी। जी गाइस, जो अभी प्रमोशन की बात थी, UGC अपना फैसला क्यों डिले कर रही थी, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से मीटिंग हो रही थी। अभी ऐसा कोई जल्दबाजी में फैसला ना दिया जाए जो सारे अभ्यर्थियों को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये थी पूरी बातें UGC की लेट होने की। गाइस, ये थी पूरी बातें UGC की लेट होने की, जैसा कि नोटिस जारी क्यों नहीं हो रहा था, तो सारी बातें किसी नए नोटिस के इंतजार में लेट हो रहे थे। तो आपको बता दें, आप यहां से देख पा रहे होंगे गाइस, गृह मंत्रालय की तरफ से क्या जारी हुआ नोटिस आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन के दौरान परीक्षा लेने की हरी झंडी दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को एक पत्र लिखते हुए विश्वविद्यालय और संस्थानों में परीक्षा कराने की अनुमति दे दी। सी गाइस, पूरी तरीके से आपको परीक्षा करानी ही होगी सारी यूनिवर्सिटियाँ और इंस्टीट्यूशन को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि UGC दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतिम परीक्षाएं आवश्यक तौर पर और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्वीकृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP के तहत ली जाएंगी। गृह मंत्रालय के ताज़ा आदेश के बाद ही इस महीने में परीक्षाएं हो सकती हैं और इसके लिए जल्द UGC की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आदेशानुसार सिर्फ आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं ली जाएंगी। जी का इसी आखिरी वर्ष के सभी छात्रों के लिए ही न्यूज़ है कि उनको अभी जो प्रमोशन की बात हो रही थी, तो अब उनको जो है पूरी तरीके से उनका एग्जाम जरूर लिया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में पहली बार 25 मार्च से लॉकडाउन किया गया था। उसके बाद से सभी तरह की परीक्षाओं पर रोक लगी हुई थी। हालांकि 1 जुलाई से अनलॉक 2 की प्रक्रिया, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टार्ट कर दीजिए, प्रक्रिया शुरू हो गई और अब काफ़ी चीज़ों में सरकार ने खोलने की इजाज़त दी है। हालांकि अभी भी इंटरनेट, फ्लाइट, मेट्रो, शैक्षणिक संस्थानों और सिनेमा हॉल पर पूरी तरीके से रोक है। यहाँ पर आपको बता दें, सीधे सीधे आप देख पा रहे होंगे जैसा कि ANI न्यूज चैनल का जो है वक्तव्य यहाँ पे लिखा हुआ है, MHA इन ए लेटर ऑफ यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी टुडे परमिटेड कंडक्ट ऑफ एग्जाम बाय यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन द फाइनल टर्म्स एग्जाम आर टू बी कंपल्सरली कंडक्टेड एज पर UGC गाइडलाइंस एंड एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर अप्रूव्ड बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ JMHA के द्वारा। ये पूरी तरीके से गृह मंत्रालय के द्वारा ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और ये आपको बता दें, जस्ट अभी लेटेस्ट अपडेट एकदम निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे 9/23 की न्यूज है गाइज। तो ये थी पूरी तरीके से गृह मंत्रालय को लेकर के हरी झंडी और UGC का जो फैसला था क्यों डिले हो रहा था, सारी बात अब पता चल गई है कि UGC कहीं ना कहीं 2 जुलाई को अपना फैसला देने वाली थी, लेकिन आज 6 जुलाई हो गया, अभी तक अपना फैसला क्यों नहीं दे रही थी, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि अगर वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को प्रमोट कर देती तो थर्ड ईयर वाले भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देते। अब थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बारे में सोचा जाएगा। तो ये थी पूरी प्लानिंग गृह मंत्रालय की UGC के साथ, जैसा कि हमने आपको बताया, इसी वजह से UGC अपना जो है पूरी तरीके से फैसला डिले कर रही थी। तो गाइस, ये थी पूरी बात। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसे कोई और अपडेट आएगी किसी और यूनिवर्सिटी को लेकर, अब देखिए सारी यूनिवर्सिटियाँ इस पर अपना क्या रिएक्शन देती हैं। गृह मंत्रालय ने तो अपना जो है पूरा जो है एग्ज़ाम कराने की हरी झंडी दे दी है लास्ट ईयर के सभी कैंडिडेट को। अब देखना है कि सारी यूनिवर्सिटियाँ इसको किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट में, हर अलग अलग स्टेट में पूरी तरीके से अलग अलग माहौल है। जो ग्रीन स्टेट हैं, जिसमें कम COVID-19 के पेशेंट हैं, वहाँ पर तो आसानी से एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ किस तरीके से एग्ज़ाम कराती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। तो पल पल
खबरें पाने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। आपको किसी इन्वेस्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करिए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट के जरिए आपको आंसर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।